पूर्वी सिंहभूम जिले के बिष्टुपुर थाने में चोरी छीन थे और गुम हुए मोबाइल को पुलिस ने साइबर थाने की मदद से बरामद करने के बाद 285 मोबाइल फोन का वितरण कर दिया है, जिसमें 49 फोन ग्रामीण क्षेत्र के थे। मौके पर जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक कौशल किशोर ने कहा कि पिछले 10 महीने में पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक 1434 मोबाइल बरामद कर संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाया गया है। मोबाइल छिनतई करने वाले और चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं जिन लोगों को वापस मोबाइल मिला है, उनका कहना था कि हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी और हम जिला पुलिस के बहुत ही आभारी हैं जिसके कारण हमें अपना फोन वापस मिला है। ये 3 मई को चोरी हो गया था मैम। उम्मीद थी आपको? नहीं मैम, उम्मीद नहीं थी, लेकिन जमशेदपुर पुलिस और जमशेदपुर तो जमशेदपुर है, हमारे यहाँ की पुलिस सीरियसली उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ थाना कर दिया। कॉल आया था? हाँ, कल इवनिंग में थाना से कॉल आया था। और देखिए ना, 3 मई को फ़ोन चोरी हुआ और 4 अक्टूबर को मेरे यहाँ पे कॉल है, मतलब एग्जैक्ट 5 मंथ में मुझे फ़ोन मिल गया। कैसी खुशी लग रही है? बहुत खुशी हो रही। आप मेरी मम्मी को पूछ सकते, मैं इतना रोई हूँ मेरा फ़ोन जाने की वजह से। और ऑनेस्टली सब लोग बोलते थे ठीक है मिल जाएगा, अच्छा देख ले, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था। 10 महीनों में ये 6ठी बार है जबकि जमशेदपुर पुलिस के द्वारा मोबाइल फ़ोन जो किसी का खो गया हो या किसी प्रकार की आपराधिक घटना में अगर छीना गया हो, तो उन फोन्स की जब भी कंप्लेंट हमारे पास आई, जिसको लेकर के एक व्हाट्सएप नंबर भी जमशेदपुर पुलिस के द्वारा जारी किया गया है, उस नंबर पर जब भी कोई व्यक्ति अगर सूचना देता है इस प्रकार की, तो उस पर तुरंत ही हमारी तकनीकी शाखा कार्य करती है जमशेदपुर पुलिस की, और उसके द्वारा इस प्रकार से फ़ोन रिकवर करके जो शिकायत करता है उसके पास पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से अभी तक कुल मिला करके 1434 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए हैं और आज के दिन भी 285 मोबाइल फ़ोन इस प्रकार के जो बरामद विभिन्न थाना क्षेत्रों से किए गए हैं, जिसमें 49 मोबाइल फ़ोन ग्रामीण क्षेत्र के हैं जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण किया जा रहा है। शेष सभी मोबाइल फ़ोन का आज जो उनके वास्तविक जो ओनर हैं उन तक फोन्स को पहुंचाया गया। ये 3 मई को सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। चोरी हो गया था मैम। उम्मीद थी आपको? नहीं मैम, उम्मीद नहीं थी, लेकिन जमशेदपुर पुलिस और जमशेदपुर तो जमशेदपुर है, हमारे यहाँ की पुलिस सीरियसली उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ थाना कर दिया। कॉल आया था? हाँ, कल इवनिंग में थाना से कॉल आया था। और देखिए ना, 3 मई को फ़ोन चोरी हुआ और 4 अक्टूबर को मेरे यहाँ पे कॉल है, मतलब एग्जैक्ट 5 मंथ में मुझे फ़ोन मिल गया। कैसी खुशी लग रही है? बहुत खुशी हो रही। आप मेरी मम्मी को पूछ सकते, मैं इतना रोई हूँ मेरा फ़ोन जाने की वजह से। और ऑनेस्टली सब लोग बोलते थे ठीक है मिल जाएगा, अच्छा देख ले, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था। 10 महीनों में ये 6ठी बार है जबकि जमशेदपुर पुलिस के द्वारा मोबाइल फ़ोन जो किसी का खो गया हो या किसी प्रकार की आपराधिक घटना में अगर छीना गया हो, तो उन फोन्स की जब भी कंप्लेंट हमारे पास आई, जिसको लेकर के एक व्हाट्सएप नंबर भी जमशेदपुर पुलिस के द्वारा जारी किया गया है, उस नंबर पर जब भी कोई व्यक्ति अगर सूचना देता है इस प्रकार की, तो उस पर तुरंत ही हमारी तकनीकी शाखा कार्य करती है जमशेदपुर पुलिस की, और उसके द्वारा इस प्रकार से फ़ोन रिकवर करके जो शिकायत करता है उसके पास पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से अभी तक कुल मिला करके 1434 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए हैं और आज के दिन भी 285 मोबाइल फ़ोन इस प्रकार के जो बरामद विभिन्न थाना क्षेत्रों से किए गए हैं, जिसमें 49 मोबाइल फ़ोन ग्रामीण क्षेत्र के हैं जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण किया जा रहा है। शेष सभी मोबाइल फ़ोन का आज जो उनके वास्तविक जो ओनर हैं उन तक फोन्स को पहुंचाया जाएगा।